बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। और बॉलीवुड हमेशा देश के दुख सुख में साथ खड़ा रहता है, ऐसा कुछ जया बच्चन जी ने आज बोला है। और बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं होता है। जया बच्चन जी, माँ एक आम नागरिक होने के नाते हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो क्या एनसीबी को जबरदस्ती, एनसीबी ने रेखा चक्रवर्ती को जबरदस्ती पकड़ रखा है, उसके भाई को, और जितनों के कनेक्शन मिल रहे हैं, क्या उनको जबरदस्ती पकड़ रखा है? और दूसरी बात, और अगर ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अगर ड्रग माफिया नहीं है, तो आप एक बात बताओगे कि ये भागम भाग क्यों हो रही है? सबके सब क्यों भागने पड़े हैं इधर के उधर? सब मुंबई छोड़ के एक एक करके क्यों जा रहे हैं? पहले भी ये हो चुका है ड्रग के मामले में, फरदीन खान को भी शायद पकड़ा गया पहले एक बार, संजय दत्त को भी इस मामले में पकड़ा गया ड्रग वर्ग लेने के चक्कर में, क्योंकि तब जनशक्ति की आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी, तब लोगों को शायद अपनी ताकत का एहसास नहीं था। आज लोग जनता जाग गई है, तो तुम्हें आग लग रही है? तुम स्वार्थी हो, सिर्फ अपने अपने बॉलीवुड को ही बचा रहे, हमें पूरे अपने देश की चिंता है, इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे। क्यों भाग रहे हैं पता है आपको? किस डर के मारे भाग रहे हैं लोग? जब से एनसीबी ने नकेल कसना शुरू कर दिया है, सब अपनी अपनी तरफ से भाग रहे हैं, अपनी अपनी जान छुड़ा के भाग रहे हैं कि कहीं एनसीबी हमें ना पकड़ ले। रेहा चक्रवर्ती, उसका भाई, वहाँ रोज ड्रग्स की पार्टियां तो हमारे बॉलीवुड में रोज होती हैं। इस गंदगी को दूर करने के बजाय आप उसे को समर्थन कर रहे हो कंगना रावत ने तुम्हें तुम्हारी औकात बताई, तुम्हें बताया कि वो क्या चीज है, तुम्हें करारा जवाब दिया है उसने, उसने बिल्कुल सही किया है। क्या जया बच्चन जी गारंटी लेते हैं कि वहां पे नहीं होता कोई भी कांड, वहां पे नहीं होता? ले सकते इस चीज की गारंटी कि वहां पे नहीं होता? वो बता सकते कि सुशांत सिंह राजपूत की ने आत्महत्या ही कर रही, कर सकते हैं वो साबित? दिशा सैलियान की मौत, वो कर सकते हैं साबित कि उसने आत्महत्या ही की है? वो बता सकते हैं कि इनके हत्यारे कौन है, या उन्होंने आत्महत्या क्यों क्यों की है? इनको मुंह दिया है लोगों ने, ये कुत्तों की तरह भौंक देते हैं, हमने हमने इनको सर आंखों पे बटाया, हमारे ऊपर रौब जमाते हैं, हमारे ऊपर भौंकते हैं फिरे? ये एक साधारण घरों के लोग थे इसलिए मारे गए। तुम्हारे घरों से कोई होता बड़े घरों से, तब तो बॉलीवुड भी एक हो जाता, और मरेंगे एक दिन देख लेना, एक दिन ऐसे ही मरेंगे कोई भी। क्या जया बच्चन जी बता सकती है ऐसे कि कंगना रावत का घर क्यों तोड़ दिया गया, जबकि सारे लोग कह रहे हैं गलत है? अगर अगर वो अवैध निर्माण भी है, तो उसके लिए नोटिस दिया जाता है, ये पता है जया बच्चन जी को? कितना गलत वहां पे हो रहा है, कितना कुछ गलत वहां हुआ है आज तक इसलिए बातें छुप गई कि सिर्फ जनशक्ति ने अपनी ताकत को पहचाना नहीं था, लोगों ने अपनी आवाज को पहचाना नहीं था, तब ये बातें आज तक छुपी। बहुत कुछ गलत वहां हुआ है, कितनों ने आत्महत्या किया, कोई आत्महत्या नहीं थी, अब पता चला वो सब हत्याएं थी, किसी ने किसी को अपने भेद खुलने का डर था, इसलिए दिशा सल्यान के साथ गलत हुआ, उसने सुशांत सिंह राजपूत को बताया, जिस तरह से हम बातें सुन रहे हैं इधर उधर से, सुशांत सिंह उसकी उसको न्याय दिलाना चाहता था, इन लोगों ने उसे ही ऊपर पहुंचा दिया, ये सब चीजें तो आप खुलेंगी, इन सब चीजों का जवाब है जया बच्चन जी के पास? ये दे सकती है इस चीज का जवाब? सर मानी चाहिए इन्हें, उन्हें ये नहीं हो रहा कि यार हमारे हमारे एक एक इतनी बड़ी वो कलाकार हो के, एक एक महिला हो के, उन्हें ये नहीं हो रहा कि हमारा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है, हमारा देश बदनाम हो रहा है, इससे हमारे देश पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तरफा बॉलीवुड को बचाने में लग रहे हैं, वहां के हत्यारों को, वहां के ड्रग्स माफियों को, संजय राउत जो भी बोले, लड़की को हरामखोर बोलता है, जया बच्चन जी के मुंह पे टेप लगा रहता है,
क्या बॉलीवुड में हो रहे हर कुकृत्य का जवाब क्या जया बच्चन जी के पास है? अगर है तो दो, बताओ आप। अब साबित करो कि उसने आत्महत्या की है, साबित करो कि दिशा सिलियन के साथ कुछ नहीं हुआ, उसने आत्महत्या की है। जितना भी वहां पे अभी तक क्या आत्महत्या हुआ, आत्महत्या नहीं, आत्महत्या हुई है, साबित करेंगे जया बच्चन जी। जितने अकड़ के उन्होंने राज्यसभा में बोला है, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। जितने भी कुकर्ते होते, जितने वहां पे माफिया जो है सक्रिय है, और जितना वहां पे नेपोटिज्म है, वहां पे गेंदबाजी है, आप इस बात का प्रमाण दे दो कि वहां पे कुछ नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है। आप साबित कर सकते हैं, है आपके अंदर हिम्मत तो करो साबित कि ये सारी आत्महत्या ही थी, हत्या नहीं थी। और यहाँ ड्रग्स का कुछ कोई लेना देना नहीं है। कंगना ने 99% बताया, रेहा ने 80% बताया। और आपने शायद कुछ बोला कुछ कुछ परसेंट है करके, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोल के दिखाओ जरा, आपके अंदर हिम्मत है? इस बॉलीवुड के अंदर आप जो भी गलत होगा, लोग आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा ये देश पूरा हमारा है, और बॉलीवुड और महाराष्ट्र भी हमारे देश का हिस्सा है। यहाँ पे कोई भी काम करने जा सकते हैं, बाहर के लोग वहाँ पे अपना काम करने जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनके साथ कुछ भी कर दोगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ की हर गलत चीज़ को नज़रअंदाज कर दो, आप आग की पट्टी बंद करके बैठ जाओ। आप साबित कर दो कि वहां पे कोई कुकृत्य नहीं होता तो लोग आपके बात मार जाए। वहां पे हर चीज की गारंटी आप दे दो, आप जिम्मेदारी ले लो कि आज के बाद नहीं होगा। मुंह दे दिया भगवान ने तो आप लोगों ने भोंक दिया। तुम्हें लगता है कि हिंदुस्तान के लोग तो सुनने के लिए बैठे हुए हैं? ऐसा आप नहीं चलेगा मैम, बिल्कुल भी नहीं।